हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद है सारे ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ इंस्टाग्राम अकाउंट को प्राइवेट कैसे करें और प्राइवेट करने का क्या फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स, प्राइवेट करने का हमें ये फ़ायदा होगा क्योंकि जो हमारा इंस्टाग्राम है उस पर जो फ़ोटो अपलोड है, जो पिक्चर अपलोड है, वो हमारे मर्ज़ी के बिना कोई और नहीं देख सकता। हाँ फ्रेंड्स, तो बहुत लोगों को क्या होता है, वो अपनी पिक्चर या फ़ोटो वगैरह किसी को दिखाना नहीं चाहते, तो वो प्राइवेट कर लेते हैं अपने अकाउंट को। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने का ये भी मेरा मकसद था कि बहुत लोगों को परेशानी आ रही है इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट करने में, और जैसे ही वो अपना इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट करने जाते हैं तैसे ही ऐसा इशू देखने को मिलता है। तो इस इशू को कैसे सॉल्व करेंगे, वही मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाई स्टेप बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए, और चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमें इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले पहुँचे आप तक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चलते हैं फोन के स्क्रीन पे, वहीं मैं आपको बताता हूँ इंस्टाग्राम अकाउंट को कैसे प्राइवेट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं। तो गाइस, हम आ चुके हैं फोन के स्क्रीन पे। तो कैसे आप इंस्टाग्राम अकाउंट को प्राइवेट करेंगे, तो उसके लिए क्या करना होगा फ्रेंड्स, उसके लिए सबसे पहले आपने प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद फ्रेंड्स, आपने अपने इंस्टाग्राम को सर्च करके उसको देख लेना अपडेट है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर उसे अपडेट कर लें। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने इंस्टाग्राम को ओपन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ओपन हो रहा है इंस्टाग्राम। तो उसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, आपने अपने प्रोफाइल वाले सेक्शन में जाना है। ठीक है, ये मेरा डेमो अकाउंट है, भाई का अकाउंट है ये मेरा। ठीक है गाइस, तो उसके बाद क्या करना है, आपने थ्री डॉट पे क्लिक करना है ऊपर। उसके बाद सेटिंग में चले जाना है आपने। सेटिंग में जाने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ आपको फोर्थ नंबर पे प्राइवेसी होगा, उस पर क्लिक करना है आपने। ठीक है, उसके बाद ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसा इंटरफेस आएगा इसका। ठीक है, तो अकाउंट प्राइवेसी, ये लिखा हुआ प्राइवेट अकाउंट, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। तो गाइस, ऐसा इशू आता है सबको। तो गाइस, ऐसा इशू क्यों आता है, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा जो अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट है या बिजनेस अकाउंट है। तो गाइस, ये जो प्रॉब्लम है ये बिजनेस अकाउंट में ही आती है, और जो पर्सनल अकाउंट है उसमें ये इशू नहीं देखने को मिलता। तो गाइस, इसे कैसे सॉल्व करेंगे वही मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, फिर बैक आ जाना आपको। बैक आने के बाद फ्रेंड्स, आपने फिर से थ्री डॉट पर क्लिक करना है, फिर से आपने सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद फ्रेंड्स, फिर आपको नीचे अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ स्विच अकाउंट टाइप पे क्लिक कर देना है। ठीक है गाइस, उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है स्विच टू पर्सनल अकाउंट, तो इस पर हमने क्लिक कर देना है। ठीक है गाइस, तो आपने स्विच टू पर्सनल अकाउंट पर क्लिक कर देना है। तो गाइस, ये होना शुरू हो गया। तो स्विच टू पर्सनल अकाउंट यार हो चुका है, हम देख लेते हैं। तो देखिए गाइस, हमारा स्विच टू पर्सनल में हो चुका है। तो गाइस, बैक आए थे दोबारा। बैक आने के बाद फ्रेंड्स, आपको फिर से थ्री डॉट पे क्लिक करना है। सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ आपको फिर से प्राइवेसी में जाना है। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो गाइस, ये आपका प्राइवेट हो जाएगा। तो गाइस, उसके बाद आपने यहाँ पे टिक पे क्लिक कर देना है। तो गाइस, ये देखिए हमारा जो अकाउंट है वो प्राइवेट हो चुका है। तो आई होप फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आई होप फ्रेंड्स, आप अपने अकाउंट को प्राइवेट करना सीख गए होंगे। अगर सीख गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आगे भी आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तो बाय।